दोस्तों, कैम स्कैनर बंद होने के बाद अब हमारे पास इंडियन वर्जन में कागज स्कैनर एप्लीकेशन आ गया है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके किसी भी डॉक्यूमेंट का या किसी भी पेपर का पीडीएफ बना सकते हैं, वो भी आप अपने मोबाइल से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से कैसे किसी पीडीएफ को बना सकते हैं कागज स्कैनर ऐप के थ्रू। तो दोस्तों, आपको ऐप को ओपन कर लेना है और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे ये प्लस का आइकन आपको दिख रहा होगा, आप इसके यहाँ पे जो परमिशन है उसको यहाँ पे एक्सेस कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कैमरा ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से स्कैन कर लीजिए। इसके बाद आपके स्कैन कर स्क्रीन पे कैमरा ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको जिस डॉक्यूमेंट की भी आपको पीडीएफ क्रिएट करनी है, आपको उसकी एक फोटो क्लिक कर लेनी है। जब आप उसकी फोटो क्लिक कर लें तो आपको नीचे एक यहाँ पे इस तरीके का फोटो खींचा हुआ दिख जाएगा और साइड में जो ग्रीन आइकन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से उसके कॉर्नर्स को सेट कर लेना है कि आपको डॉक्यूमेंट कितना क्रॉप करना है, आप उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसको डन कर देना है। आपको यहाँ पे अपने स्क्रीन पे कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या आपको किसी को फॉरवर्ड करना है तो वो भी आप यहाँ से इसको फॉरवर्ड कर लीजिए। तो दोस्तों, आप इस तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट का आप यहाँ पे एक पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं कागज स्कैनर ऐप से, वो भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आप उसको शेयर करना चाहें तो आप यहाँ पे उसको किसी को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।